एनसीएल की परियोजनाओं में काम देने के लिए पैसे मांगे जाने के आरोपों के बीच सामने आया कि यहां नेताओं और अधिकारियों की सिफारिश पर नौकरियां लगाई जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या नौकरी के एवज में अधिकारी और नेता पैसे लेते हैं? सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के झिंगुरदा परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही कलिंगा कंपनी के एचआर से जब कर्मचारियों की भर्ती पर घूसखोरी और धांधली को लेकर सवाल किया गया तो कंपनी के अधिकारी ने बताया, इस परियोजना में कार्यरत सारे कर्मचारी किसी न किसी एनसीएल अधिकारी या क्षेत्रीय नेता के माध्यम से ही रखे गए हैं। अगर कंपनी में कार्य करने के लिए किसी नेता या एनसीएल के अधिकारी ने पैसा लेकर भर्ती कराया हो तो उसमें कंपनी प्रबंधन का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप 70% क्षेत्रीय एवं विस्थापित युवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए। अभी तक कई कंपनियों के प्रबंधन पर पैसा लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन झिंगुरदा परियोजना की कलिंगा कंपनी प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। अभी ये कंपनी का काम शुरू हुए 1.5 महीना हुआ है और यहाँ जब से हम लोगों ने काम शुरू किया है तब से लेके अभी तक जितने भी मेरे पास वर्कर्स हैं, अभी ड्राइवर, ऑपरेटर, हेल्पर, सुपरवाइज़र या जो भी है, तो उनको हमने किसी न किसी के माध्यम के थ्रू ही रखा है, चाहे वो माध्यम हमारा एनसीएल अधिकारियों का रहा हो या यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का रहा हो। तो जो भी लड़के अभी तक मेरे पास हैं, काम कर रहे हैं, वो इन्हीं सब के थ्रू ही आए हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पहली बार एनसीएल परियोजना में काम करने के लिए आई है और हम लोग भी हैं तो यहाँ के लिए, इस परियोजना के लिए नए हैं, तो हम लोगों को तो पता नहीं है कि कौन यहाँ का लोकल है, कौन क्षेत्रीय है या कौन विस्थापित है। तो जो भी एनसीएल के अधिकारियों द्वारा हमें रिकमेंड किया गया, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हों या फिर ड्राइवर हों या ऑपरेटर हों, तो जो एनसीएल के अधिकारियों ने रिकमेंड किया उनको हमने रखा। पैसा लेके रोजगार देने का तो पहले से भी इस फील्ड में जितनी भी कंपनियां सिंगरौली क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, सब कंपनियों के प्रबंधन के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि पैसा लेकर इस कंपनी के ये कर्मचारी या अधिकारी ये नौकरी दे रहे हैं, 1 लाख रुपया ले रहे हैं, 2 लाख रुपया ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी का काम जैसे ही मैंने शुरू किया तो सारा भर्ती का कार्य जो है वो, मैं एक एचआर मैनेजर हूँ तो मेरे द्वारा ही हो रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी आदमी मैंने लिया है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एनसीएल के अधिकारियों द्वारा रिकमेंड किया गया या यहाँ के क्षेत्रीय नेता के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो अगर कोई कर्मचारी मेरे पास आया है और उनको पैसा दे के आया है तो उस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर या हमारी कंपनी के, हमारे ऊपर, यहाँ के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर अभी तक इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।